नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम आ चुके हैं बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल के साथ और आज हम लोग रॉयल ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ब्राइडल कितनी खूबसूरत लग रही हैं और उनका ये लुक आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ब्राइडल का ये लुक पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। अलग वो होने वाला है जैसे हर वीडियो में हम लोग शेयर करते हैं कि किस तरह से मेकअप बेस तैयार करना है, कैसे आई शेडो लिपस्टिक क्या कैसे मेकअप करना है। और यहाँ इस वीडियो में मेकअप कंप्लीट करने के बाद, फेस को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद, मेकअप करके रेडी करने के बाद आपको क्या क्या करना है वो इस वीडियो में बताया जाएगा, कैसे आपको लुक को क्रिएट करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेकअप कंप्लीट कर लेंगे, मेकअप बेस तैयार हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा, उसके बाद फिक्सर अप्लाई करके उसे सेट करने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच में आपको क्या करना है, हेयर स्टाइल करना है। तो हेयर स्टाइल के लिए आपको बहुत डिज़ाइनर हेयर स्टाइल नहीं लेना है, बिल्कुल सिंपल सा हेयर स्टाइल लेना है और सेंटर पार्टीशन करके दोनों साइड के हेयर को ले लेना है और टॉप एरिया पे आपको एक बन लगा के थोड़ा सा पफ बना देना है ताकि आप जूड़ा लगाएं तो अच्छे से टिका रहे। और बैक साइड में आपको एक बन लगा कर एक सिंपल सा जूड़ा बना लेना है। यहाँ पर हम लोग 5-6 रोल का जूड़ा बना रहे हैं, आपके हेयर जैसे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जूड़ा बना सकते हैं। और जब जूड़ा कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग उसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे। आप गजरा लगा सकते हैं या फिर किसी फ्लावर से अच्छे तरह से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। जूड़े में फ्लावर सेट करने से पहले हम लोग जो सेंटर पार्टीशन करके हेयर को डिवाइड करके रखे हुए हैं उसे अच्छे से सेट करेंगे। तो उसे बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं करना है, फ्रंट पे बिल्कुल प्लेन ही रखना है, सिंपल सा हेयर स्टाइल उसे कॉम करते हुए नीचे की तरफ लेके जाना है और जूड़े से सराउंडिंग उसे सेट कर देना है। और सेट करने के बाद उसे हेयर क्लिप से अच्छी तरह से सेट करना है। इसी तरह से दोनों साइड के हेयर को बिल्कुल फ्लैट ही रखना है, पफी नहीं करना है और बिल्कुल सिंपल सा लुक रखना है फ्रंट पे। उसके बाद से आप बन में गजरा चाहे तो लगा सकते हैं, गजरा के अलावा हम लोग यहाँ पे फ्लावर सेट कर रहे हैं, गजरा नहीं लगा के यहाँ फ्लावर सेट करके और ऐसा लुक क्रिएट किए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जूड़े का लुक आ रहा है। तो इस तरह से आपको जूड़ा बनाना है और फिर आप ज्वेलरी पहनाइए। ज्वेलरी आप गले का सेट कर लीजिए, हेयर स्टाइलिंग करने से पहले आप गले की ज्वेलरी पहना लीजिए। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था, ज्वेलरी पहले पहना दिया उसके बाद से हेयर स्टाइल, और हेयर स्टाइल के बाद फिर एयरिंग्स और टीका पहनाना है। तो एयरिंग्स को पहनाते समय आपको ये ध्यान रखना है जो उसका सहारा होता है उसको ऊपर की तरफ हेयर में अच्छी तरह से यू पिन से सिक्योर करना है, हेयर पिन से सिक्योर करना है क्योंकि यू पिन से वो स्लिप कर सकता है। हेयर क्लिप से अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर टीका को अच्छे से मांग टीका को सेट करना है। और यहाँ पे देखना है कि बहुत नीचे ना मांग टीका लगे, पूरा फोरहेड दिखना चाहिए और उसको ऊपर की तरफ सेट कर देना है। फिर आपको नथिया सेट करना है और सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लुक आ रहा है हमारे ब्राइडल का। और फिर हमें क्या करना है, चुन्नी लगाना। तो चुन्नी लगाने से पहले लहंगा चोली पहनाने के बाद जितना एरिया दिखाई दे रहा है हैंड पे तो हम लोग करते ही हैं, फिर बैक साइड कमर पे पेट पे हर जगह आपको फाउंडेशन फेस पाउडर और हाइलाइटर अप्लाई करना है ताकि फेस से इक्वल आपका बाकी जो स्किन है सारी दिखाई दे, अलग अलग ना लुक आए। तो इसलिए फेस से मैच करता हुआ हमें हाइलाइटर अप्लाई करना है और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग चुन्नी सेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड से बिल्कुल गुजराती फ्री आँचल में हम लोगों ने आँचल को सेट कर दिया है। और उसके बाद से हम लोग आ चुके हैं बैक साइड और कमर पे लगा रहे हैं दूसरा सिरा, चुन्नी का दूसरा सिरा कमर पे लगाना है और कमर पे दो पिन सेट करना है, एक बिल्कुल आगे और एक थोड़ा सा पीछे। और फिर बैक साइड से भी
ब्लाउज के साथ चुन्नी को अच्छे से पिन कर देना है। और पिन करने के बाद जो हमारा आँचल है, जो हमें फ्री रखना है, उसको थोड़ा थोड़ा प्लेट कर लेना है, एकदम से फ्री नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा प्लेट करके और चूड़ी के पास या हैंड में उसको होल्ड कर देना है। यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हैं या फिर बिना पिन के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको प्लेट ज़रूर बनाना है। तो प्लेट बनाने के बाद उनके हैंड में होल्ड कर देंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से सेट रहेगा। हम लोग यहाँ पे पिन लगा रहे हैं ताकि जो प्लेट बनाए हैं वो बिखरे ना और अच्छे से सेट रहे, क्योंकि ब्राइडल को डांस भी करना है तो वो सेट रहे अच्छे से। तो इसके लिए अच्छे से पिन करना है। और ये हम लोगों की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, चुन्नी लग चुका है और ज्वेलरी पहना चुके हैं, और ये लुक आपके सामने है। तो कैसा लगा ये आपको मेकअप लुक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए मेकअप लुक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नमस्कार एंड बाय बाय।